हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, 5.5 मिलियन हिंदू वोटेड इन यूएसए एज ट्रंप विन। ट्रंप जीता है। 55 लाख लोगों ने हिंदुओं ने वोट दिया ट्रंप को। 55 लाख भाई साहब, बहुत बड़ा योगदान है ट्रंप की जीत में हिंदुओं का। हालांकि देखा जाए तो मार्जिन इतने का नहीं, अगर ये दूसरी कमला को देते तो कमला भी जीत सकती थी। 55 लाख टोटल 7 करोड़ 10 लाख इस तरह वोट पड़े हैं ट्रंप को, जिसमें से 55 लाख हिंदुओं ने खाली वोट दिए। भाई क्या लेवल निकल के आ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया होश गवा बैठी है। पहले देखते हैं, काउंट करते हैं, रेड ऑन एंड स्टार्ट। भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात हो, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है। और मैं फ्यूचर के लिए आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा। इवन 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर, और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पर समझे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे, एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक ग्रुप है। ठीक है जी, इवन देन ट्रंप अगर बात कर रहे हैं इस वक्त तो इसका मतलब है कि उनको ये पता है, या उनको ये बताया गया है, या उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी ये कैंपेन है कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। और उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए तो बात तो वही है ना, इंडिया कि जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है यहाँ पर, आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररिलेवेंट। तो दोस्तों, अमेरिका के चुनाव से ये सबक मिलता है कि भाई अमेरिका में भारतीयों की जो पकड़ वो कैसे तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समय भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है मेक्सिको के बाद, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीयों की वहां पे पहुंच कितनी तेजी से बढ़ रही है। कमला हैरिस साहिबा खुद यूएसए में भारतीय ओरिजिन की रिप्रेजेंटेटिव थी, वो बात अलग है कि उन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया। अगर भारत का सपोर्ट करती तो कितने परसेंट वोट से वो पीछे, 2-3%, 1% भारतीय अगर उनके साथ आ जाते तो ये सीट 4% और बढ़ती। भारतीय सपोर्ट में आते, भारतीय इन्फ्लुएंस करते और चांस बन सकते थे कमला हैरिस के भी, लेकिन कमला हैरिस जी ने भारतीयों को उस तरीके से लिफ्ट ही नहीं कराया, भारत को उस तरीके से लिफ्ट ही नहीं कराया जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी ओपनली भारत का सपोर्ट कर रहे थे, हिंदुओं के सपोर्ट में बातें कर रहे थे। आप भारतीय ओरिजिन की हो तो आप भारत के लिए कुछ बोलो ना, आप हिंदुओं के सपोर्ट में तो कुछ बोलो। 8-1.5% हिंदू है अमरीका में, बिल्कुल बोलता ताकत रखते हैं। आप चेक करना कि कितने परसेंट वोट से ये गेम हारा गया कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, ज्यादा से ज्यादा मैक्स से मैक्स 2-2.5% से। अगर 1-1.5% हिंदू कमला हैरिस जी के साथ आ जाते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन कमला हैरिस जी भाई उन्होंने भारत को लिफ्ट ही नहीं कराया, हिंदुओं को लिफ्ट नहीं कराया, हिंदुओं के सेफ्टी को लेके, उनके मंदिरों को लेके कोई भी कमेंट कमला हैरिस जी की तरफ से नहीं आया। अभी भी कनाडा में, अमेरिका में हिंदू टेम्पल्स पे हमले होते हैं, लेकिन इस पे कोई बात कमला हैरिस जी ने नहीं की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। वो बांग्लादेश की भी बात करते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदुओं की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है यार हिंदू फिर डोनाल्ड ट्रंप जी की तरफ ही जाएंगे। और अभी अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी।
चैंपियनशिप दिख रहा है। और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, वो एडिटेड तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब मैं हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर, ठीक है, डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी है, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शन अमेरिका में चल रहे हैं और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी दो तीन दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पर हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जानने वाली ये बात है कि 2015 के एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में हिंदू के पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे थे। ये 2015 का सर्वे रिपोर्ट है, वो भी ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट है कि अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो लार्जेस्ट फोर्थ फिफ्थ में आ चुका। अब आती है बात कि हालांकि अभी भी अगर हम पॉपुलेशन हिंदुओं की देखें तो वो 1% है, ओनली 1%, लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने परसेंट की हार और जीत थी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बाइडेन को इलेक्ट्रोल वोट जो है वो 51.3% मिले थे और ट्रंप को जो मिले थे वो 46.9% मिले थे। तो ये 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार आप अंदाजा लगाओ 55 लाख 60 लाख जो हिंदू हैं वो बड़ा सपोर्ट में, बड़ा क्यों ट्रंप में इतना अकलमंद बंदा है ट्रंप, मैं आपको क्या बताऊं, यकीन करो उसने यहाँ तक के, हालांकि इमरान खान बिल्कुल आप देखो इधर है उसकी भी एक दो मतलब स्पीच चलाई है उधर जाके, ओवरसीज जो पाकिस्तानी है जो उसको पसंद करे वो हमें भी वोट दे भाई, आप लेवल करो। और चलो ये तो चलो पाकिस्तानियों को इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, इंडिया के लिए तो उसने प्रॉपर ट्वीट किए कि बांग्लादेश में 50 लाख वोटर हो वो काफी सारी जगहों पे हार जीत का फैसला कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, तो उन्होंने किया भी है, वही तो उन्होंने किया भी है। एक जगह किसी ने बोला वो जीसस इज द लॉर्ड का नारा लगाया ना एक ने ट्रंप में कमला हैरिस की रैली में, कमला हैरिस ने बोला आप गलत रैली में आ गए, हालांकि क्रिश्चियन है वो, मतलब वो एज अ हाँ ट्रंप ने उसको भी उठा के बोला, इतना भाई ट्रंप तेज है, उसने ऐसे गेम किए इतनी बड़ी मार्जिन से जीत गया वाकई भाई साहब। 55 लाख तो हिंदुओं ने तो वोट ही उन्हें को दे दिया, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हिंदू डाल सकते हैं आज के टाइम में अमेरिका के इलेक्शन में भी देखने लगता है। तो आपका किसका कहना है अपने राय कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, तो यार।